स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल का विधानसभा वार दौरा, बस्तर संभाग के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम। आज कांकेर की भानु प्रतापपुर विधानसभा जाएंगे सीएम। गितपहर दुर्ग कोंदल भानबेड़ा में करेंगे भेंट मुलाकात, लोगों से मुलाकात कर योजनाओं का फीडबैक लेंगे। सीएम भूपेश बघेल का विधानसभा वार दौरा, गितपहर पहुंचेंगे, दुर्ग कोंदल पहुंचेंगे, बस्तर संभाग के 4 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम। आज कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा जाएंगे सीएम। गितपहर दुर्कोंदल भानबेड़ा में भेंट मुलाकात करेंगे, लोगों से मुलाकात कर योजनाओं का फीडबैक लेंगे। बस्तर संभाग के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अंकुश से। अंकुश, तो 4 दिवसीय दौरा है ये सीएम का, क्या कार्यक्रम रहेगा इस अंतर्गत? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा कार्यक्रम जिस तरीके से मतलब विधानसभा में चल रहा है, उसमें बीच बीच में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के कारण ब्रेक लगा था, और अब तो ब्रेक जो है दूर हुआ है। आज से एक बार फिर वो बस्तर संभाग के कांकेर जिले के दौरे पर रहेंगे, और जहां पर वो भानु प्रतापपुर विधानसभा में जनता से भेंट मुलाकात करेंगे, और उसके अलावा अलग अलग ग्रामीण इलाकों में लोगों से मुलाकात करते नजर आएंगे। पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें तो 3 जून से 6 जून तक बस्तर संभाग के 4 दिवसीय दौरा उनका रहने वाला है, और 3 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा के 3 अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर जनता से मुलाकात करेंगे। और अगर पूरे निर्धारित कार्यक्रम की बात करें तो सुबह करीब 10:30 बजे राजधानी रायपुर से वो हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे, और 11 बजे कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर पहुंचेंगे, वहां से गितपहर पहुंचेंगे, और गितपहर में भेंट मुलाकात के बाद करीब 11:30 बजे दुर्ग कोंदल के लिए रवाना होंगे, और दोपहर 1 बजे से दुर्ग कोंदल में जनता से भेंट मुलाकात के बाद करीब 3 बजे के आसपास दुर्ग कोंदल से भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के भानबेड़ा प्रस्थान करेंगे, और करीब 3:30 बजे से करीब 5 बजे तक भानबेड़ा में भेंट मुलाकात के बाद वे जो है शाम को 6:30 बजे रात्रि विश्राम जो है भानु प्रतापपुर में ही होगा। तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जारी कर दिया गया है। आज से फिर से ये भेंट मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। जी, धन्यवाद अंकुश इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल का ये 4 दिवसीय दौरा है बस्तर संभाग का, और इस दौरान वो जनता के बीच जुड़ेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। और वहीं रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल आएंगे के नतीजे आएंगे, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होगा जारी। दोपहर 12 बजे वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होगा। करीब 1,20,000 छात्रों ने परीक्षा दी है। रायपुर से बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। दोपहर 12 बजे वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के नतीजे आ जाने वाले हैं। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी होना है। दोपहर 12 बजे वेबसाइट पर ये रिजल्ट जारी होगा। करीब 1,20,000 बच्चों ने ये परीक्षाएं दी हैं। रायपुर से बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट। करीब 1,20,000 छात्रों ने परीक्षा दी है। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के आज नतीजे आने वाले हैं। 10वीं और 12वीं के नतीजे आएंगे, रिजल्ट जारी होना है। करीब 1,20,000 छात्रों ने परीक्षा दी है। दोपहर 12 बजे ये रिजल्ट आएगा। इंदौर से बड़ी खबर, इंदौर में फिर डरा रहा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मरीज, 48 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। इंदौर में फिर से डराने लगा है कोरोना, ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर कोविड के मरीज बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 12 नए मरीज सामने आए हैं, 48 पहुंच गई है अब एक्टिव मरीजों की संख्या। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 48 पहुंची है एक्टिव मरीजों की संख्या। इंदौर में फिर से कोरोना डरा रहा है, 12 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे में। इंदौर से बड़ी खबर, 48 पहुंच गई है अब एक्टिव मरीजों की संख्या। तो 24 घंटे में 12 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों की अगर बात करें तो 12 नए मरीज सामने आ चुके हैं, 48 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। सूरजपुर से बड़ी खबर, बंद पड़ी कोयला खदान में हादसा। अवैध कोयला निकालते समय धसी मिट्टी, मिट्टी धसने से 2 लोगों की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर सूरजपुर से, बंद पड़ी कोयला खदान में हादसा हुआ है। अवैध कोयला निकालते समय मिट्टी धसी है, मिट्टी धसने से 2 लोगों की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर से बड़ी खबर, मिट्टी धसने से 2 लोगों की मौत। बंद पड़ी कोयला खदान में यह हादसा हुआ है। अवैध कोयला निकालते समय मिट्टी धसी, मिट्टी धसने से 2 लोगों की मौत।
बिलासपुर से बड़ी खबर, फॉरेस्ट कर्मचारी से 20 लाख रुपए की ठगी हुई है। बीमा में बोनस का झांसा देकर ये ठगी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला, बीमा में बोनस का झांसा देकर ठगी की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। फॉरेस्ट कर्मचारी से 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बीमा में बोनस का झांसा देकर ये ठगी की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला बिलासपुर से खबर, जहां पर फॉरेस्ट कर्मचारी से 20 लाख रुपए की ठगी का ये मामला सामने आया। बीमा में बोनस का झांसा देकर ठगी की गई है। ये बड़ी खबर बिलासपुर से, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला बिलासपुर से खबर, फॉरेस्ट कर्मचारी से 20 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। बीमा में बोनस का झांसा देकर ठगी की गई है।